అఖిల గురు భగవన్ నమస్తే నారాయణాఖిల గురు భగవన్ నమస్తే నారాయణాఖిల గురు భగవన్ నమస్తే శివాయ నమః శివలింగాయ నమః శివాయ నమః శివలింగాయ నమః యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం వాస్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం నామాపితే చ మధురం మధురం స్వరూపం కర్మాపితే చ మధురం మధురా స్మృతిశ్చ బుద్ధిం ప్రబోధయ ప్రభో మధుబోధశక్తిం విద్యాం ప్రయచ్చ పరమాం పరిభావయామి కోమలం పూజయన్ వేణుం శ్యామలోయం కుమారకః వేదవేద్యం పరం బ్రహ్మ భాసతాం హృదయే మమ పూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహోరసికా భువి భావుకాః తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానినా మానదేన కీర్తనీయః సదా హరిః శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ ధర్మకి అధర్మక ప్రాణియోమే విశ్వక గోమాతకి గోహత్య భారత సర్వభూత హృదయ ధర్మ సమ్రాట్ శ్రీ స్వామి కర్పాత్రిజీ మహారాజకి శ్రీ జగన్నాథ మహాప్రభుకి శ్రీ బలభద్ర మహాప్రభుకి భగవతి సుభద్రాదేవికి హర హర మహాదేవ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే ఏ నాథ నారాయణ వాసుదేవ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ శ్రీ వృందావన విహారీ లాల్ కీ జయ నమో మహద్భ్య శంభో శివ 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 నారాయణ 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 శ్రీమద్ భాగవత్ छठा स्कंध अध्याय 14 श्लोक 1 से
పరీక్షిదువాచ రజస్తమస్వభావస్య బ్రహ్మణ వృత్రస్య పాప్మనః నారాయణే భగవతి కథమాసీద్ధమతి దేవానాం శుద్ధసత్వానాం ఋషీణాం చామలాత్మనాం భక్తిర్ముకుందచరణేన ప్రాయణోపజాయతే రజోభిసం సంఖ్యాతా పార్థివైరిహ జంతవః తేషాం ఏకే చ నేహంతే శ్రేయో వై మనుజాదయః प्रश्नोत्तर के माध्यम से सिद्धांत की निष्पत्ति होती है। वादे वादे जायते तत्वबोधः। महापुरुष किसी तथ्य का प्रकाश समास शैली में करते हैं, किसी तथ्य का प्रकाश व्यास शैली में करते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षेप। व्यास का अर्थ होता है विस्तृत, विशद। जिज्ञासु की इसी में परीक्षा हो जाती है। अभिरुचि जिज्ञासु की कितनी है, किस विषय में है, इसका बोध भी वक्ता को हो जाता है। परीक्षित अन्न जल का त्याग कर 7 दिनों की अवधि में ही तक्षक के डसने पर मृत्यु की प्राप्ति होगी, यह जानते हुए शुकताल में गंगा के तट पर विद्यमान थे। एक दिन कोई निर्जल एकादशी रहता है, तब अनावश्यक 2 वाक्य भी बोलने की भावना का उदय नहीं होता। लेकिन श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंध का अध्ययन करें तो भूगोल खगोल आदि का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनने की भावना परीक्षित जी ने व्यक्त की। इससे भूगोल खगोल का भी महत्व सिद्ध होता है। कारण क्या है? वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, अतएव उनका अभिव्यंजक संस्थान भी है। तो सृष्टि की गाथा सृष्टा के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए है। अतः भगवान की विभूति समझकर, विशेष अभिव्यक्ति समझकर, जो सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के रसिक हैं, वे भूगोल खगोल गणित आदि इन सब विषयों को भी अध्यात्म के बाहर नहीं समझते, अध्यात्म की सीमा में ही इनको सन्निहित मानते हैं। यहाँ भी वृत्रासुर, वृत्र के आगे असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन मरने के अव्यवहित पूर्व क्षण में उसने जिस वीरता के साथ साथ, धृति के साथ साथ भगवत भक्ति का परिचय दिया, वो असंभावित था। असुर वीर तो होते हैं, पराक्रमी होते हैं, युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम को प्रकट करते हैं, धैर्य को भी प्रकट करते हैं, लेकिन भगवान को सम्मुख समझकर उनकी प्रार्थना असुर कर सके संभव नहीं। होय भजन नहीं तामस देहा, तमोगुण से आच्छादित, तमोगुण की प्रगल्भता से अभिव्यक्त शरीर के द्वारा, देहन्द्रीय प्राणांतःकरण रूप जीवन के द्वारा भगवत भजन सद सके बहुत कठिन है। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण को सम्मुख मानो देखते हुए, जानते हुए,
वृत्रासुर ने देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण में जो भगवान का स्मरण किया वह तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसीलिए प्रश्न कर दिया परीक्षित ने। वृत्रासुर तो स्वभाव से रजोगुण तमोगुण के वशीभूत आश्रित संपत्ति से संपन्न खलनायक था। वह तो देवताओं को भी कष्ट ही देता था, पाप में रचा पचा था। ऐसी स्थिति में भी नारायण के चरणों में सुधीर भक्ति हुई तो कैसे हुई, यह तो बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है। आप इसके रहस्य को बतावें, ऐसी मेरी भावना है। राजा परीक्षित का यह प्रश्न। आगे कैमुतिकर न्याय से इस तथ्य को ख्यापित किया परीक्षित जी ने। देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषिणाम च अमलात्मनाम भक्तिर्मुकुंड चरणे न प्रायण उपजायते। बहुत ऊंची बात है, आप निरीक्षण करने की आवश्यकता है। जो शुद्ध सत्वानाम लिखा है, देवानाम शुद्ध सत्वानाम, मलिन सत्व भी नहीं, शुद्ध सत्व संपन्न जो देवता होते हैं, और अमलात्मा नाम ऋषिणाम निष्पाप जो ऋषि होते हैं, लेकिन बहुत एक विचित्र बात है, भक्तिर मुकुंद चरण न प्रायण उपजाए थे। मुकुंद कुंद के समान मुख में हास, और मोक्ष प्रदायक भगवान का नाम मुकुंद है, उनमें प्रायः ऐसे अमलात्मा और विशुद्ध सत्वा देवगण भी भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति से वंचित ही रहते हैं। फिर तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता से ही जिस असुर शरीर की प्राप्ति हुई थी, उस असुर शरीर में रहकर भी वृत्रासुर की भगवत भजन में कैसे प्रीति प्रवृत्ति हुई, भगवान का स्मरण उसने आस्थापूर्वक किया तो कैसे किया। कभी कभी जीवन में विरुद्ध धारा दिखाई पड़ती है, उस पर भी विचार करने की आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। कल मैंने विस्तार पूर्वक कहा था, जीवन बहुत विचित्र है, उत्कर्ष और अपकर्ष का क्रम चलता ही रहता है। एक जीवन में भी परस्पर विरुद्ध निष्ठाएं पलती हैं। किसी किसी असुर के जीवन में भी भगवान के प्रति अद्भुत प्रीति परिलक्षित होती है, जैसे कि वृत्रासुर के जीवन में। किसी किसी या अधिकांश देवता और ऋषियों के जीवन में भी भगवत भक्ति से विमुक्ता दृष्टिगोचर होती है। तो कौन सा पवित्र संस्कार किसके जीवन में पतन की दशा में भी शेष रह जाए, कौन सा अशुभ संस्कार उत्कृष्ट जीवन में भी फलीभूत हो जाए, कह पाना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे व्यक्ति में भी कोई ऐसा दुर्गुण कर्म विपाक के फलस्वरूप होता है जो सचमुच में उत्कर्ष का ख्यापक नहीं है। बहुत बुरे व्यक्ति के जीवन में भी कभी कभी कोई कोई ऐसा संस्कार उद्बुद्ध होता है जिस पर देवता अमलात्मा संत महात्मा भी लट्टू हो जाते हैं, जिसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। इसी का नाम गहना कर्मणोगति, कर्म गति है, कर्म विपाक है। कर्ण के जीवन में जो दान की क्षमता थी, युधिष्ठिर जी के जीवन में तो नहीं थी। कौन कहाँ बाजी मार जाए यह कह पाना कठिन है। इसीलिए दत्तात्रेय जी महाभाग की शैली में जीवन यापन करना चाहिए।
हम नैमिषारण्य में थे तो वहाँ के पूज्य दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाभाग 24 गुरुओं की कथा अधिक सुनाते थे लोगों को और सुनने के लिए प्रेरित करते थे। बचपन से स्वभाव था, लेकिन नैमिषारण्य में हमको सबसे अधिक लाभ यह हुआ कि हम दत्तात्रेय की शैली में हर व्यक्ति से हर दिन शिक्षा ले लेते हैं। वहाँ तो गुरुओं की अवधि है 25 श्रीमद्भागवत, 24 गुरु तो प्रत्यक्ष उन्होंने चुना, 25वां गुरु जीवन को ही मान लिया। तो सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व होते हैं, इस दृष्टि से अनात्म वस्तुओं के 24 प्रभेद हैं, पृथ्वी से लेकर प्रकृति पर्यंत, प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत। 24 में करोड़ों गुरुओं का सन्निवेश हो गया। 25वां जो है आत्म तत्व है, पुरुष तत्व है, उसका अभिव्यंजक संस्थान हमारे जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण है। 25 गुरु बना लिया तो वहाँ कोई भी गुरु बनने से नहीं रह गया। अब गुरु बनाने की प्रक्रिया क्या है, बहुत सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है। हमारा पतन क्यों हो जाता है? अच्छे व्यक्ति भी निंदा और स्तुति में बहुत रुचि लेते हैं, जबकि श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में परमार्थ निरूपण नामक एक अध्याय है, उसमें बहुत उच्च तथ्य भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के प्रति व्यक्त किया है। बैठने में जिनको कठिनाई हो, कुर्सी है, कोई कष्ट का अनुभव न करे, उधर कुर्सी है, उधर तख्त है, पीछे जहाँ विजय लक्ष्मी जी बैठी हैं वहाँ नीचे भी तख्त। बैठने में कठिनाई हो तो कष्ट का अनुभव मत कीजिए। तो हमने एक संकेत किया कि पर स्वभाव कर्माणि, दूसरों के स्वभाव और कर्म की जो निंदा और प्रशंसा करते रहते हैं, अच्छे स्वभाव की प्रशंसा, बुरे स्वभाव की निंदा करते हैं, वह वे क्या होते हैं, शीघ्र ही श्रेय से पतित हो जाते हैं, निंदा और प्रशंसा उनको मार डालती है। उसका कारण बहुत ऊंचा दिया भगवान ने, असत्य अभिनिवेशता है, पूरी सृष्टि तो मिथ्या है, इसमें क्या ग्राह्य क्या त्याज्य। जब हम किसी की प्रशंसा करते अघाते नहीं, निंदा करते अघाते नहीं, तो इसका अर्थ होता है कि हम सृष्टि में ही रचे पचे रहना चाहते हैं। इसलिए दूसरों के स्वभाव और कर्म की समीक्षा आलोचना करना, हमको किसी ने न्यायाधीश बना रखा है, अवैध अधिकार, अवैध दायित्व मोल लेना, हमको किसी ने दंडाधिकारी बना रखा है, हम किसी के गुण दोष की समीक्षा करके अपना जीवन व्यर्थ करें, असत्य अभिनिवेशतः, असत्य में अभिनिवेश होने के कारण। और श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में एक अध्याय है गुण दोष मीमांसा, उसका अनुवाद तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया किया है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ताते कछ गुण दोष बखाने, तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए देखी सो अविवेक। हमने 60 में एक बार रामचरितमानस का पाठ किया, जीवन में एक बार पूरा, उसी समय के ये सब पंक्तियाँ याद हैं, सन 60 में दिल्ली में विद्यार्थी जीवन में। तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए देखी सो अविवेक, यह
तो फिर क्या करना चाहिए? दत्तात्रेय जी की शैली में दृष्टि बनानी चाहिए। वो शैली क्या है? किसी के जीवन में कोई दुर्गुण है तो आप दंडाधिकारी मत बनिए, निषेध मुख से उसको गुरु बना लीजिए, मन ही मन, उसके चरण छूने की आवश्यकता नहीं। निषेध मुख से गुरु बना लीजिए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु हो गया। नहीं तो आप उसकी निंदा करेंगे तो बहुत विचित्र बात है। मैं नाम नहीं लूँगा किन्हीं महात्मा का, जो ऋषि के स्वर्गाश्रम जाते थे, दंडी स्वामी की बात है, एक दंडी स्वामी, वो बहुत भवन वाले आश्रम को देख करके आश्रम के मंडलेश्वर महंतों की बहुत निंदा करते थे। निंदा करते करते वैसे भवन बनाने की वासना उनके जीवन में घुस गई। जिसकी हम निंदा करते हैं मानो अपने मन को उसकी चाशनी में पाग लेते हैं। इसीलिए थोड़े समय के बाद निंदा करते करते व्यक्ति स्वयं निंद्य हो जाता है। बहुत विचित्र बात है, जैसे डॉक्टर आदि ऑपरेशन करते हैं ना, सामने वाले के रोग का निवारण कर दें, हम स्वयं न रोगी हो जाएं, इसके लिए फिर नाक वाक बंद रखते हैं। बहुत ये सब न्यूरोसर्जन है, अब 85 साल में भी ऑपरेशन करते हैं, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। तो सामने वाले के रोग को दूर करना है, स्वयं रोगी नहीं बनना है। निंदा तो उन लोगों ने फिर क्या किया, सेठों की दास्ता पाल ली। मैंने देखा है सेठों की दास्ता पाल ली, निंदा करते करते वे स्वयं भी, एक महात्मा थे, नाम नहीं लूँगा, नर्मदा के तट पर स्नान करते करते ही देह त्याग किया, अच्छे थे ही, जो भी महात्मा उनका भी नाम नहीं लूँगा, हर तीन बीच में एक दिन छोड़ करके दाढ़ी बना लेते थे, बाल बना लेते थे। बहुत से ऐसे महात्मा हाथ के बाल भी बना लेते हैं ताकि हर समय युवा अवस्था में देखें। विशेषकर बम्बई आदि में कथा जो कहते हैं, या तो फैशनदार दाढ़ी मोछ वाले हों, खूब इत्र आदि लगाए हुए, जैसे हमारे यहाँ मिश्र जी रहते हैं सफ़ेद बाल वाले, एकदम सर कटवा लेंगे, घर में कोई मर जाए फिर भी बाल नहीं बना सकते, वो एकदम इतना उनका बाल में राग है। हाँ, भगवान मिले या ना मिले, हजारों पातक लग जाए, बाल नहीं बन सकता उनको, बाल में इतना प्रेम। बम्बई आदि में उन्हीं की कथा सुनी जाती है, दाढ़ी झट्टा वाले हैं तो फैशन, या फिर रोज सफाचट। अच्छे से अच्छे महात्मा बह गए श्रोताओं को रिझाने के लिए, वो फिर बीच में मुश्किल से एक दिन बाल रखते थे, अपने बनवा लेते थे अपने चेलों से। एक महात्मा उनकी निंदा बहुत करते थे, लेकिन मैंने देखा कि अंत में वो भी वही करने लग गए। इसलिए बहुत एक विचित्र है, निंदा जो है संक्रामक रोग है। वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, असुर भी तर जाते हैं क्योंकि वो आसुरी बुद्धि के वशीभूत होकर भगवान से द्रोह करते हैं, संतों से द्रोह करते हैं, तो उनके चिंतन का विषय भगवान बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। अच्छे व्यक्ति भी लोगों की आलोचना करते करते मर जाते हैं, क्योंकि निंदा करने वाला तो स्वयं निंद्य हो ही जाता है, सदा तद्भाव भाविता। प्रशंसा करने वाला भी अनात्म वस्तु से ऊपर नहीं उठ जाता। लेकिन पहले क्या करना चाहिए, किसी के जीवन में दिव्य गुण है उसकी प्रशंसा कर दीजिए, किसी के जीवन में जैसा आचरण नहीं होना चाहिए ऐसा आचरण है, जैसा भाव नहीं होना चाहिए वैसा भाव है, उसकी निंदा मत कीजिए, तो कम से कम जीवन में दिव्य गुण का संचार होगा। तो दत्तात्रेय जी ने सबको गुरु बना लिया, निंदा किसी की नहीं की। अमुक के जीवन में यह है, इसके कारण इसकी दुर्गति, उस दुर्गति को देखकर उन्होंने
पतिंगे की दुर्गति दीपशिखा पर देखकर उन्होंने कि हमको इससे बचना चाहिए, गुरु हो गया नहीं, निषेध मुख से शिक्षा ले लीजिए, जिससे हम निषेध मुख से शिक्षा लेंगे वो तो हमारा गुरु हो ही गया। कान में मंत्र देने वाला ही गुरु नहीं होता, जिससे हमने शिक्षा ले ली उसने दी या नहीं दी। जड़ वस्तु में कहाँ शिक्षा देंगे, बोल करके पृथ्वी पानी ये सब जड़ वस्तु में, वेश्या से क्या शिक्षा लेने जाएंगे, लेकिन पिंगला वेश्या से भी शिक्षा ले ली दत्तात्रेय जी आदि ने। तो निषेध मुख से शिक्षा लीजिए, जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल है उससे विधि मुख से शिक्षा ले लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो दुर्जन भी गुरु हो जाएंगे सज्जन भी गुरु हो जाएंगे। और हमारे जीवन में क्या होगा, हम गुण सागर नागर बन जाएंगे। अब क्या है, कोई व्यक्ति ऐसा आया जो लूटते लूटते यहाँ का यहाँ उपद्रव करते करते हमको बहुत कुछ ना दे गया हो, एक बहुत अच्छे व्याकरण के विद्वान लेकिन योग दर्शन पर लट्टू, वो कभी मेरे पास भोपाल में आ गए, 2 घंटे उन्होंने योग पर मेरी मुझसे चर्चा की। हमने सोचा लिखना पढ़ना छोड़ करके 2 घंटे हमारे ये ले गए, चर्चा कोई लौकिक नहीं योग दर्शन पर ही थी। मैंने कहा ठीक है, अब ये जो 2 घंटे मेरा समय ले गए इससे लाभ उठाना चाहिए दत्तात्रेय जी के शैली में, तो 9000 योग सूत्र लिख गए संस्कृत में। श्री जयमंत मिश्र जी ने 9000 सूत्रों को देखा, अब वो कहीं कागजों में इधर उधर हैं, संकलन हमारे निकेश जी आदि कर रहे हैं। उस व्यक्ति को पता नहीं कि हमने उससे क्या ले लिया, योग पर चर्चा की तो हमारे जीव, क्योंकि योग दर्शन ही मैंने सबसे पहले पढ़ा था विद्यार्थी जीवन में, योग के प्रति मेरी बड़ी बहुत आस्था है, गीता का 6ठा अध्याय या योग दर्शन ही मैंने सबसे पहले आध्यात्मिक ग्रंथों में पढ़ा था विद्यार्थी जीवन में अपने आप। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति आया जो आज शत्रुता का पूरा काम करता है, उसको भी एक महानुभाव ने हमारा शत्रु बना दिया, लेकिन ग्रंथ जीवन चरित्र जो यहाँ से प्रकाशित हुआ है सुझाव उसका था, वो दे गया, उसे नहीं मालूम कि मटको वो क्या दे गया, अपन दे गया। तो हम लोग अच्छा, इसी प्रकार से एक बेताल नामक व्यक्ति महाराष्ट्र परंपरा के, उन्होंने वैदिक गणित पर एक ग्रंथ लिखा, हमसे कहा 2 शब्द आप लिख देते। हम उन दिनों शंकराचार्य होके चौमासा कर रहे थे पहला दिल्ली में, तो हमने सोचा हमारे मठ की देन है, इस मठ की देन है वैदिक मैथमेटिक्स, महाराष्ट्र जाति के व्यक्ति इस पर शोध कर रहे हैं तो हमारा कुछ दायित्व तो नहीं होता क्या। उस समय वैदिक ग्रंथ का केवल मैंने नाम ही सुना था, हमें जो समझ में आया एक पृष्ठ में उसको लिख के दे दिया, सम्मति दे दी, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि हमने उससे क्या ले लिया। अभी 17 ग्रंथ लगभग हमारे ग्रंथ पर प्रकाशित हो गए वैदिक ग्रंथ पर, अभी भी मैं आया हूँ तो कंप्यूटर पर एक घंटे वैदिक ग्रंथ की ही कोई पहली सुलझा रहा था, लिख रहा था, अभी 2000 पृष्ठों की सामग्री इस साइज की कम से कम मस्तिष्क में है वैदिक गणित पर। और उस व्यक्ति को नहीं पता कि उसने हमको क्या दे दिया, लेकिन हमने दत्तात्रेय जी की शैली में उससे शिक्षा प्राप्त कर ली कि हमें वैदिक गणित पर काम करना चाहिए। हुआ क्या, इससे क्या लाभ हुआ, वैदिक गणित का और वैदिक गणित के रचयिता भारती कृष्ण सिंह जी महाराज का अपहरण हो गया था। अपहरण का अर्थ, भारत के एक संस्थान ने जगतगुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी तो कहना नहीं छोड़ा, लेकिन पूरी पीठ के शंकराचार्य थे कहना छोड़ दिया, वो वैदिक गणित के सहित वैदिक गणित के रचयिता को उसने अपने संस्था में मिला लिया, समझ गए ना, आप ही की संस्था और किसकी होगी, वो समझ गए हिंदूवादी
आप ही की संस्था, वो समझ गए डॉक्टर हैं। माने इतना इस मठ का नाम नहीं होने चाहिए, शंकराचार्य थे भारतीय कृष्ण तीर्थ जी, कहीं पूरी पीठ के शंकराचार्य के रूप में उद्भाषित ना हो। वैदिक गणित का प्रचार तो किया उस संस्थान ने, अभी भी वो कर रहा है, लेकिन वैदिक गणित के सहित उसके रचयिता को मिला दिया आपने, हमारा ध्यान गया। अब पूरे विश्व में कि वैदिक मैथमेटिक्स इस मठ की देन है, वो परंपरा चल रही है, भगवान ने जोर दिया। और तो जो इस मठ के एक आचार्य, उनकी रचना निगल ली गई थी, आचार्य भी निगल लिए गए थे, उनकी रचना भी निगल ली गई थी, वो मठ को फिर से प्राप्त हो गई, समझ गए। तो दत्तात्रेय जी की शैली में काम करने से बहुत विशाल जीवन हो जाता है। तो हमने एक संकेत किया, यहाँ भी असुर कोई है तो निंदा करने से क्या होगा, आप असुर बनना चाहते हैं क्या, उसके जीवन में भी कोई ना कोई दिव्यता है तो उस दिव्यता को आत्मसात कर लीजिए, और अदिव्यता है तो उसको गुरु बना लीजिए कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। इस प्रकार से तो दत्तात्रेय वृत्रासुर के जीवन में वो भक्ति कैसे आ गई, जबकि ऋषि मुनियों के जीवन में भी रिद्धि सिद्धि के प्रति आकर्षण परिलक्षित है, भगवत भक्ति से प्रायः उनके जीवन में भी विमुखता रहती है। और शुद्ध सत्व में जो देवता होते हैं वो दैवी संपत्ति संपन्न होने पर भी प्रायः ब्रह्म विद्या और भगवान के चिंतन से विमुख ही रहते हैं। तो वृत्रासुर के जीवन में इस दिव्यता का रहस्य क्या है यह पूछा। प्रायण प्रायिक वचन है, प्रायः देवता भी भगवत भजन से विमुख ही रहते हैं, यहाँ तक कि कहा गया अम्लात्मा ऋषि मुनि भी भगवत भजन से विमुख ही रहते हैं। बिहार घाट उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाभाग रहते थे, धनजी स्वामी, आसपास में कोई उनके लाला जी शिष्य थे, वो मरणासन्न हो गए, लाला के बेटे कार लेकर स्वामी जी के पास आ गए कि आपके शिष्य अमुक मेरे पिताजी अब तक की हालत में हैं, बहुत ही कृपा हो कि घर पधार कर उन्हें अंतिम समय में दर्शन दे दें। उन्होंने कहा उसने मठ की सेवा की, आश्रम की, चलो चलते हैं। अब वो गए, मरणासन शिष्य था चारपाई पर, वो क्या बोल रहा था, कोका कोला कोका कोला, संकेत कर रहा था। अब बेटे ने, उसके पुत्र ने गुरुजी से कहा कि महाराज पिताजी कोका कोला मार रहे हैं और लगता है कि दो मिनट चार मिनट से अधिक जीवन नहीं है, कोका कोला दूँ, गंगा जल पिला। अब देखिए ये भी पुण्य है या नहीं, वासना कहती है कोका कोला पी के मरूं, पुण्य का बल कहता है गंगा जल तुम्हारे मुंह में डल जाएगा। जो कोका कोला दिल्ली की गुप्त भाषा है, दिल्ली की पुरानी भाषा 60 की, एक नंबर का कोका कोला देना, समझ गए, दुकान एक नंबर का जिसमें मदिरा डाली गई हो, गुप्त भाषा है ये सब। जब कोई कहे कि एक नंबर का कोका कोला देना, तो कोका कोला के दो विभाग होते थे उन दिनों, एक नंबर का देना का अर्थ होता था मदिरा वाला, ये सब वहाँ के गुप्त भाषा दिल्ली की। हम तो कोका कोला पी कर शरीर छोड़ना चाहता था, मुँह में गंगा जल पड़ गया, एक पाप का संस्कार एक पुण्य का संस्कार, किस संस्कार ने विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त की। बेटा ने कहा कोका कोला दूँ, ना ना गंगा जल डाल। अब स्वामी जी ने कहा कि इसके कान में जोर से कहो पिताजी अंतिम समय है, राम राम कहिए।
उस लाला जी ने क्या कहा, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता, और मर गए। ये भी नहीं कहा राम नहीं बोला जाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। प्रत्यक्ष घटना, इतना बड़ा वाक्य बोला। बेटे ने कहा कि गुरु जी की आज्ञा है, पिताजी अंतिम क्षण है, राम राम कहिए। उसने क्या कहा, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता, मर गया। लेकिन राम नाम पहुँच तो गया ना हृदय में, तो बहुत निकट बात है। इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। कदाचित ऐसा वानक बन जाए कि अंतिम समय में राम का स्मरण हो जाए या राम नाम का उच्चारण हो जाए तो आवत नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता। अंत राम कही आवत नहीं, अंत राम में अंतिम समय में राम नाम कहते बनता नहीं, एक अर्थ यह है। कदाचित कहते बन जाए तो आवत नहीं, उसका फिर पुनर्भव नहीं होता है। तो बहुत ऊंची बात है। इसीलिए क्या हुआ कि किसके जीवन में कौन सा गुण है, दानवीर तो कर्ण ही कहे गए, युधिष्ठिर जी नहीं कहे गए। किसके जीवन में कौन सा गुण है, अशुभ से अशुभ योनि में व्यक्ति भी होता है, वहाँ भी कोई ना कोई कर्म विपाक के फलस्वरूप दिव्य संस्कार का उदय, दिव्य आचरण का उदय हो जाता है। और उत्तम से उत्तम व्यक्ति के जीवन में भी कर्म विपाक के फलस्वरूप कोई निकृष्ट भावना, निकृष्ट आचरण का दर्शन हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत संभल कर जीवन यापन करना चाहिए। रजो भी समसंख्याता पार्थिवैरिह जंतव तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचन इव द्विजोत्तमं मुमुक्षूणां शास्त्रेषु कश्चिन् मुच्येत सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने। मनुष्याणां शास्त्रेषु केचित् यतत सिद्ध है, नरशास्त्र मसुनौ पुरारी कौवे खो धर्मव्रतधारी, यहाँ परीक्षित जी ने कहा। प्रभो इस सृष्टि में तो पृथ्वी के धूल कणों के समान असंख्य जीव हैं, कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ शरीर में भी जीव परिलक्षित होते हैं, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले होते हैं, और मुक्ति चाहने वालों में भी तदर्थ जीवन को न्योछावर करने वाले तो करोड़ों व्यक्तियों में कोई होते हैं। सर्वतो भावेन भगवान के प्रति शरणागत प्रपन्न कोई कोई होते हैं। ऐसा होने पर भी असुर शरीर प्राप्त करने वाला वृत्रासुर ने वो भी देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में श्रीमन नारायण का स्मरण किया, यह तो बहुत आश्चर्य है। उसकी भक्ति को देखकर देवराज इंद्र भी विस्मित हो गए, चकित हो गए, और आत्मनिरीक्षण करने पर यही पाया कि ऐसी भक्ति भगवान के प्रति तो मेरे हृदय में भी नहीं है। यह तो आश्चर्य की बात है कि उसके जीवन में भक्ति की यह धारा कैसे आप्लावित हुई। हम लोग कभी कभी शिक्षा लेने की दृष्टि से चर्चा करते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होती है, एक महानुभाव 90-92 की घाटी पार कर चुके हैं, लेकिन वही उत्साह, वही उपद्रव एकदम, किसका मान मर्दन करें, कहाँ आक्रमण कर दें, किसके आश्रम पे कब्जा कर लें, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं, इनकी दृष्टि में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं, जिनसे नहीं भिड़ना चाहिए उनसे भी ताल ठोकने के लिए तैयार।
इसका मतलब यह है कि बड़ी बाबा हो जाने पर भी, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाने पर भी, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। शिष्यों में जिस उपद्रव के मार्ग पर चलता हूँ, अगर सचमुच में मेरा शिष्य हो तो उसी उपद्रव के मार्ग पर चलो। इसका मतलब भजन कितना दुर्लभ है। बाबा होने पर भी, भगवत प्राप्ति के निमित्त ही घर द्वार छोड़ने पर भी भजन नहीं सध पाता, बहुत कठिन काम है। फिर अच्छा समय हो रहा है, अभी हमारे श्याम नारायण द्विवेदी जी रामचरितमानस का बहुत मार्मिक प्रसंग उठा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। जड़ चेतनय ग्रंथ पर गई, यद्यपि मिसा छूटत कठिनई। अब यहाँ पर भक्तों को यह ध्यान देना चाहिए कि जड़ चेतन की गांठ बन सकती है तो कैसे, वास्तविक होगी या कल्पित। कल्पित होगी तो वास्तविक तो होगी नहीं, कल्पित ही होगी। यद्यपि मिसा कल्पित होगी तो ग्रंथि को सुलझाना तो अनिवार्य होगा ना भक्तों के लिए भी, या उसी से पलायन करेंगे। सुनने की समझने की बात है, आज के भक्त चिज्जड़क ग्रंथि को समझना, उसको सुलझाना, ये तो कहते हैं ये तो वेदांत का मार्ग हमारा नहीं है, उपहास की बात भी है ना। तुलसीदास जी ने कहा जड़ चेतन ग्रंथि पर गई यद्यपि मिसा, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने वालों का भी काम है कि उस ग्रंथि को सुलझाओ। सुलझाना तो पड़े, सुलझाने की आवश्यकता है। अब अंधेरे में ग्रंथि का दर्शन ही नहीं होगा तो सुलझाओगे क्या। गांठ का दर्शन हो फिर सुलझाने की प्रक्रिया हो, दोनों चाहिए या नहीं। तो ग्रंथि के देखने के लिए निस्संधि निबंधनात्मिका, आज हमने जो कहा था निस्संधि निबंधनात्मिका, बंधन में डालने वाली, लेकिन ऐसी गांठ जिसकी संधि का दर्शन ना हो। दर्शन तो गांठ की संधि का करना होगा ना, तब तो खोलेंगे। तो भक्तों को भी ग्रंथि भेदन तो करना है, तो ग्रंथि भेदन तब होगा जब ग्रंथि का दर्शन होगा। ग्रंथि का दर्शन जो चाहिए वो इस प्रकार से, यहाँ तो विद्युत मणि ये सब तो बाहरी चीज़ें हैं ना, क्या दीपक ले लीजिए, विद्युत ले लीजिए, मणि, ये सब दृष्टांत जो बाह्य हैं, वो ग्रंथि तो क्या है, अतीन्द्रिय जगत की ग्रंथि है। उसके लिए फिर क्या चाहिए, ज्ञान दीपक या ज्ञान मणि, इतनी सी बात है। ग्रंथि तो सुलझानी है, ग्रंथि का भेदन करना ही है, चाहे आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं, लेकिन ग्रंथि का दर्शन करेंगे और ग्रंथि के सुलझाने की विधा तालंबन लेंगे तब ग्रंथि भेदन होगा। अब यह है कि ज्ञान दीपक एक है, ज्ञान मणि, दोनों में कौन सुगम कौन दुर्गम, इस पर विचार किया। ज्ञान दीपक की निंदा नहीं की, ज्ञान दीपक, ज्ञान रूपी दीपक से दर्शन करना सज सकता हो तो बहुत ऊंची बात है, न सज सकता हो तो मणि से। ज्ञान दीपक के लिए फिर जैसे बाह्य दीपक के लिए गोघृत बत्ती पात्र चाहिए, बिल्कुल हवा ना हो तो दीपक न जले, और झंझा बात हो तो दीपक बुझ जाए। क्या निवात दीप, निवातस्थ दीपवत परपेंडिकुलर लॉ एक एकदम। तो दीपक, ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करना, प्राप्त करना दुर्गम बताया। मणि को झंझावात या सलभ वायु से कोई खतरा नहीं, इसी प्रकार से वहाँ कोई रुई की आवश्यकता नहीं, पात्र की आवश्यकता नहीं, घृत स्नेह की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास जी ने कहा मणि, भक्ति मणि के समान है,
और ज्ञान दीपक के समान, यह कहा इतनी सी बात में। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीता का अध्ययन नहीं किया था? किया तो था। ये तो सर्वाणी कर्वाणी मई संन्यास मत परा अन्य नैव योगे न माम ध्यायन तो पासते तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इधर तेसा मेवानुकम पार्थम हम अज्ञान जम तम नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन भास्वता, यहाँ ज्ञान दीपक है ज्ञान मणि। तुलसीदास जी के कहने का अभिप्राय है, हरिगुरु से विमुख रहकर अपने बलबूते पर जो ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं उनके मार्ग में यह विघ्न बाधा है। भगवान कहते तुम्हें खतरा नहीं, तुम्हें ज्ञान दीपक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, मैं ज्ञान दीपक प्रज्वलित करूँगा। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, अज्ञानज तमस के नष्ट कर को नष्ट करने के लिए ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान अपने चिन्मय कर कमलों से भक्त के हृदय में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माया क्या उसमें विघ्न डालेगी? भगवान के कार्य में रोराट करना तो माया का काम नहीं है ना। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है, श्रुतियों ने बहुत जोर से कहा जय जय अजाम, हे अजित जय जय अजाम, माया को मारिए मारिए। तो उन्होंने कहा ब्राह्म मुहूर्त में सबसे पहले तुमको मारने की बात सूझी, माया को मारिए मारिए, एक तरफा निर्णय देना ठीक नहीं। माया देवी ये श्रुतियाँ कहती हैं तुम्हें मैं मार डालू, जय जय इसे पेंट छुड़ाइए मारिए मारिए। माया देवी उपस्थित हो गई, उन्होंने कहा बताइए मेरा क्या अपराध है कि मुझे वरवाना चाहती हैं आप श्रुतियाँ? तो उन्होंने कहा कि आप जीवों को भवबंधन में डालती हो, आपके कारण ही जीव भवाटवी में भटकते हैं, भवसागर में गोता लगाते हैं। तो उस माया देवी ने कहा सुनिए, भगवान के जो आश्रित नहीं होते उनके मार्ग में विघ्न डालती हूँ या भगवत भक्त के मार्ग में? श्रुतियों की बोलती बंद हो गई और कहा कि भगवान चाहे आप मुझे फांसी दे दीजिए, जो आपसे विमुख रहेंगे चपत लगाती रहूँगी। मेरे चपत लगाने का अर्थ है मैं आपके चरणों में उन्हें समर्पित करना, इसलिए श्रुतियाँ कहती हैं आपको जचती है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ जो मेरा काम है आपसे विमुख व्यक्ति को चपत लगाते लगाते इतने उस घाटी पर ला देती हूँ कि आपके शरणागत हो जाएं। तो यहाँ एक समझना चाहिए कि भक्ति मणि के द्वारा या ज्ञान दीपक के द्वारा आप मणि प्राप्त करने में आपको पावन पर्वत वेद पुराना वो भी कोई कम घाटी है कि आजकल एक मिथिला में कहावत है सतवा लतवा भोड़वाई खेवाई, ऐसा एक व्यक्ति यात्री थे तो खिचड़ी बना रहे थे, एक के पास सत्तू का की सामग्री थी, सत्तू वहाँ तो पानी डालना है पी लेना है, वहाँ आग प्रज्वलित करो बटलोही चाहिए सामग्री चाहिए पानी चाहिए। एक व्यक्ति ने सोचा कि यात्रा बहुत दूर की है, बिजली आदि का समय नहीं था, गंतव्य तक सूर्यास्त से पहले पहुंचना है, मेरे पास तो सत्तू है या खिचड़ी, खिचड़ी की सामग्री है ऐसे खिचड़ी बनानी है, इसके पास सत्तुआ है। अब दोनों यात्री एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्होंने कहा कि रास्ते में गुजर बसर करने के लिए सत्तू मेरे पास है, तो अरे सत्तू है तो सत्तू पीना कोई सामान्य बात है क्या? घोलूँगा पात्र लाऊँगा पानी लाऊँगा, घोलते 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 चम्मच हिलाते हिलाते नमक डालते डालते पता नहीं कितने मुहूर्त बीत जाएंगे तब तो सत्तू पा करके यात्रा करूँगा। आह फिर क्या कहा उसने? खिचड़ी
बस यूँ बना लूँगा, घट कर जाऊँगा। उसने सोचा खिचड़ी बनाना सुगा, मैं बदल लो भाई, हमारे सत्तू तुम ले लो तुम्हारे खिचड़ी। वो झटपट बड़ा चतुर था, वो चतुर था, उसने उससे क्या ले लिया, सत्तू ले लिया, अपना घट करके पी के चला गया। वो खिचड़ी बनाने में लग गया बेचारा, और सूर्यास्त हो जाने पर बेचारा कहीं का नहीं रहा। गोस्वामी जी ने इसी प्रकार कहा, ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहते हो, बड़ा विघ्न है, बड़ा विघ्न है, और भक्ति मणि ले लो, झट से काम चल जाएगा। लेकिन वो भी घाटी क्या सुगम है, पावन पर्वत वेद पुराना, कहाँ से लेंगे ज्ञान ये भक्ति मणि। इसलिए तुलसीदास जी के कहने का अभिप्राय यह है कि हरिगुरु करुणा से विमुख होकर अपने बलबूते पर जो ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं, सचमुच में उनके मार्ग में इस प्रकार की विघ्न बाधाएँ आती हैं। लेकिन जो हरिगुरु करुणा के पक्षधर हैं, उनके हृदय में जब भगवान स्वयं ही चिन्मय कर कमलों से ददामि बुद्धि योगम तम तेसा मेवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान स्वयं ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उसमें माया छाया रिद्धि सिद्धि कोई विघ्न डाले यह संभव नहीं। सार यह निकला कि चिज्जरक ग्रंथि है, उसको सुलझाने की आवश्यकता है, उसे मिथ्या समझने की आवश्यकता है, उसे मिथ्या समझना ही उसका सुलझा लेना है। मिथ्या समझ लेना, जब ग्रंथि मिथ्या है तब मालूम है ना। एक व्यक्ति गधे को पालता था, धोबी, तो दिन भर काम लेता था, शाम में खूटी के साथ उसके पाँव को रस्सी से बांध देता था। बांधते 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 एक गधे को बांधने वाली रस्सी खो गई। अब सोचा कि रात भर इधर उधर उपद्रव करेगा, बांधूँ तो कैसे बांधूँ। एक संत देख रहे थे, क्या परेशानी है महाराज, खूटी तो है, गधा भी है, रस्सी एक खो गई। उन्होंने कहा सोचो गधा तो है ही, ये गधा का नाम क्या है मालूम है, वैशाख नंदन। गधा का एक नाम होता है वैशाख नंदन। वैशाख नंदन का अर्थ क्या होता है, ज्येष्ठ वैशाख के दिनों में जब खूब गर्मी पड़ती है तो दूर्वा कहीं कहीं सुलभ होती है, सूख जाती है, तो वो दूर्वा चलते चढ़ते 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 4 फरलांग तक आधा किलोमीटर तक जाके पीछे देखता है। अरे इतने मैंने दूर्वा चढ़ लिए, अब इतना प्रसन्न होकर नाचता है गाता है, और श्रावण भाद्र महीने में इतने घास उसको सुलभ हो जाते हैं, इतनी दूर में पेट फूल फट जाता है, इतना ही घास चरा और रोने लगता है बेचारा। इसलिए गधे का एक नाम है वैशाख नंदन, वैशाख में बहुत आनंदित होता है, वैशाख में बहुत आनंदित होता है। समझ गए संकेत क्या है, जिन गुरुओं के यहाँ सेवा गधे से भी भयंकर लेते हैं, मार डालते हैं व्यक्ति, ऐसा ज्ञान दूंगा बस 2 मिनट में तुम्हारा बेड़ा पार, जीवन भर बैल बन के खूब और खूब प्रशंसा भी करते हैं, जहाँ सुगमता पूर्वक बड़े आराम से आइए बैठिए। हम तो अपने शिष्यों को भी, स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज आइए, ऐसी जगह बोली तो आप जगह शायद न हो, अपने शिष्यों को भी मैं तू तो रा के नहीं बोलता, कहिए अरे भाई पानी दे दो, ऐसे ही तो बोलता हूँ, तो वहाँ पर लगता है यहाँ असली माल नहीं है, समझ गए ना, इतना सम्मान। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जहाँ बहुत परिश्रम के द्वारा थोड़ा मिलता है व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो हमने कहा कि वो संत कह रहे ने कहा, आखिर गधा है ना, जैसे तुम बांधते थे उसके पाँव के पास हाथ रखो और यूँ यूँ कर दो, उंगली चला दो, ऐसे उसको मालूम पड़ेगा कि मैं बंध गया, खुटी से यूँ कर दो, ठीक है। वो तो गधा ने समझा मैं बंध गया, वो तो नीचे देखा ही नहीं कि रस्सी है ही नहीं, बंधा रहा जैसे रात में उपद्रव करना, वो तो समझ आता बंध गया। अब और गधे को तो उसने खोल करके यूँ यूँ क्या चलने लगा, अब वो तो गधा जिस गधे की रस्सी खो गई थी वो तो सोचा कि गधा बंधा ही नहीं है, जिसको यूँ यूँ थपकी देने की क्या जरूरत है, बार बार कहे चल चल वो खड़ा,
तब वो संत फिर आए, उन्होंने कहा भले आदमी झूठा बंधन था तो झूठे ढंग से खोलो। क्या बंधन झूठा था तो झूठे ढंग से खोलो। इसीलिए सुख का, तोते का, कीर का, मरकट का उदाहरण तुलसीदास जी ने कहा, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। मरकट क्या होता है? संकीर्ण मटके वाले मटका हो, उसमें खूब चना उना भर दीजिए। खाली हाथ यूँ तो दे सकता है, मुट्ठी जब भर लेगा चना तो उसके निकलेंगे नहीं, फंसाने वाले उसको पकड़ लेते हैं। अब उस समय बुद्धि नहीं काम करती कि भाई चने का लोभ छोड़ो, हाथ खाली कर दो, निकल जाए। तोते को यूँ यूँ करते 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 वो अंतिम जगह के बैठ जाता है, सचमुच में चिपकता नहीं, उसको होता मैं चिपक गया। वैसे करके फिर वो डंडा को ले आता, फंसा लेता। बंध्यो कीर मरकट की नहीं, मरकट के मुट्ठी का बंधना, घरे में अटक जाना मिथ्या है। तो क्यों चाहे तो ऐसे तोता का बंधन मिथ्या है, ऐसे उस गधे का बंधन मिथ्या है, ऐसे ही मिथ्या को भी सुलझाने की एक विधा है। तो ये भी मैंने संकेत किया, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ने हमको यह तथ्य बताया था कि स्वामी जी आजकल बात यह हो गई कि चिज्जड़क ग्रंथि को सुलझाना भक्तों का भी दायित्व है, जड़ जड़ चेतन चेतन दोनों का संसर्ग नहीं है। इसी का नाम है अध्यास का उच्छेद। आजकल की भक्ति में यह चीज़ लुप्त हो गई, चिज्जर ग्रंथि से लेने ही देना कुछ नहीं, मानो उनको सुलझाने का उन्हें दायित्व ही प्राप्त नहीं है। तो रामचरितमानस में जो ज्ञान दीपक का प्रसंग है और भक्ति मणि का प्रसंग है, उसका तात्पर्य यह है आप भक्ति का आलम्बन लेकर सही, ज्ञान दीपक का आलम्बन लेकर सही, अंत में चिज्जरा ग्रंथि को सुलझाइए तो सही, उसको पाल के तो मत रखिए। हर हर महादेव।